दशक पूर्व बनी पानी की टंकी से ग्रामीणों की प्यास बुझाना तो दूर रहा, उल्टे क्षतिग्रस्त पाइपलाइन गांव की गलियों को अलग से बदरंग कर रहे हैं। गलियों में जलभराव होने से ग्रामीण कीचड़ से सने मार्ग पर से होकर निकलने को मजबूर हैं। ब्लॉक मछरेटा के रालामऊ गांव में जलापूर्ति के लिए 10 साल पहले वर्ष 2009 से 2010 में बिछाई गई पाइपलाइन कई जगहों पर टूट चुकी है। यहां तैनात चौकीदार जब भी मोटर चलाता है तो टूटी पाइप से पानी मुख्य मार्ग पर फैल जाता है। कीचड़ से सने मार्ग पर चलकर ग्रामीण चोटिल होते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चंद दिन पहले 130 घरों में जलापूर्ति के लिए कनेक्शन किए गए हैं, लेकिन पाइपलाइन ठीक न होने से घरों में पानी पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसे में लाखों खर्च कर बनाई गई पानी की टंकी महज सोपीस बनकर रह गई है, जबकि बेहतर जलपूर्ति के लिए टंकी के साथ सौर ऊर्जा प्लांट भी लगवाया गया था, क्योंकि उस समय गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। 2500 आबादी वाले इस गांव में बनी पानी की टंकी से ग्रामीणों को फायदे की जगह क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, दर्द बयां करते ग्रामीण। गुड्डू सिंह, मुरली, उमाकांत शुक्ला, सौरभ रस्तोगी, शिवेंद्र प्रताप सिंह, रामचंद्र शुक्ला आदि ने आई इंडिया को बताया। हमारे गांव में टंकी जब से प्रधान है कोई हमारे गांव में विकास हुआ ही नहीं, और न हो रहा है, न होने की संभावना है। और ये टंकी लगने से कोई हम लोगों को फायदा कुछ नहीं मिल रहा। गौशाला बना था वो भी नहीं बना है। हमारे यहाँ जानवर बहुत नुकसान कर रहे हैं। आपके यहाँ जो जल निगम ने टंकी बनाई थी जी, इससे कोई लाभ मिला आप लोगों को, ग्रामीणों को? कोई नहीं मिला। घर में सप्लाई पानी की मिल रही? नहीं मिल रही। कितने साल पहले टंकी बनी थी? ये हो गए हैं करीब 15 साल। तब से कोई कनेक्शन नहीं है गांव में? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। गांव में कीचड़ काफी दिख रहा है। बहुत निकले वाला रास्ता है। नहीं, क्यों इतना कीचड़ फैला है? ये कोई विकास नहीं है, प्रधान को देख नहीं रहा है, आता ही नहीं। पहले टंकी एक लगी थी तो उसका निर्माण कार्य हुआ था, उसमें अच्छे से नहीं हुआ है। जल भराव की समस्या पूरे गाँव में है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। ज़्यादा कंप्लेंट भी की गई पर कोई और क्या क्या विकास कार्य कुछ कराए गए आपके गांव में? विकास कार्य नहीं हुआ है। शौचालय वगैरह आए थे, शौचालय वगैरह आए का कुछ के बाद किसी को नहीं दिए गए। और जो है कॉलोनी वगैरह कॉलोनी वगैरह आती है तो गिने चुने लोगों को ही दी जाती है। जो पात्र लोग हैं तो छोड़ दिया जाए। इसकी शिकायत नहीं की आपने कहीं? शिकायत वगैरह हुई है मगर कोई कार्रवाई नहीं। टंकी बने 13 साल हो गए लगभग गांव में, और गांव की जो मेन रोड है उसकी पाइपलाइन सारी डैमेज है। पूरे गांव में इससे कीचड़ होता है। मेन रोड जो है उस पर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। गांव में निकलने लायक रोड नहीं रह गई है। उस पर अभी तक गवर्नमेंट का या जल निगम का कोई ध्यान नहीं गया है। सर कोई लाभ नहीं मिला है हम लोगों को। हमारे लोगों के उधर कहीं टंकी में पानी भी नहीं जाता है। यहाँ साहेब है, मतलब ये मोदी वाले रुपया 8-8 फीसदी सब पा चुके हैं, और हम पंच दौड़त दौड़त आए गए ना। गरीब आदमी 2.5-3 बीघा खेत हद है, ती एक पैसा ना आए, और कम से कम 2-3 हज़ार रुपया हम खर्च किए हैं। यह समस्या यह, और बाकी गांव में यहाँ या बीच वाली सड़क है यहाँ तो चाल। ये बीच वाली सड़क कहाँ से निकली है, कहाँ जाती है? यह चौराहे पर से मेरे रालामऊ से जाती है दतवल, ऐसी बड़ी दूर लगी। यही का जौन ताड़त है घर नल वह सड़क में लगावत है, और ऐसी बूढ़ आदमी और कोई जन हो तो गिरे पड़ी। क्या ग्राम पंचायत का चुनाव आ गया है, क्या गांव का विकास हुआ है? प्रधान या जिला पंचायत सदस्यों द्वारा कोई विकास कार्य कराए गए? गांव का कुछ विकास हुआ है? गांव का विकास प्रधान नहीं है, देखा है नहीं विकास का हुई। विकास वो है कि मिलते हैं कॉलोनी जिनका मिलनी है, और गरीब आदमी को मिलना नहीं। तो आपके गाँव में ये जल की टंकी, पानी की टंकी बनी हुई है, ये कब बनी हुई थी? यहाँ कब बनी थी? ये 8-9 साल पहले बनी थी। तो सप्लाई पानी की मिल रही है आपको? पानी की सप्लाई अभी तो नहीं मिल रही है। 8-9 साल बने हो गए, अभी सप्लाई नहीं मिल रही। और क्या समस्याएं बताएं विस्तार से? और समस्या चकमार्ग नहीं हमारे यहाँ गाँव में। जैसे खेत को जाते हैं तो वहाँ
मतलब जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो चकमार चकबंदी में छूटा था नहीं छूटा था? नहीं चकमार छूटा था, नपा भी था मंदिर के पास से वहाँ, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार आए थे नप गया था, लेखपाल आए थे, कानून को आए थे, नपा था, पुलिस भी थी साथ में, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसकी शिकायत कहीं दोबारा दर्ज कराई आपने? दोबारा मैं अभी तो नहीं दर्ज कराया, लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं। रालामऊ को एक तरफ कस्बे का दर्जा दिए जाने की मंशा से गांव में टीन शेड डलाकर बाजार स्थल को उच्चीकृत किया गया था, जिसका लोकार्पण तत्कालीन विधायक रामकृष्ण भार्गव ने वर्ष 2006 में किया था। यह बाजार स्थल भी उपेक्षा का शिकार है। यहां लगे 6 हैंडपंप 4 वर्षों से खराब है, 1 हैंडपंप दूषित पानी निकल रहा है, सिर्फ 1 हैंडपंप से स्वच्छ पानी निकल रहा है। बाजार स्थल पर ही स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जिसके दरवाजे पल्ले गायब हो चुके हैं। जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुका शौचालय अनुपयोगी हो गया है। सफाई न होने से आसपास झाड़ियां उगाई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया गया है, नियमित सफाई भी नहीं होती है, जिससे गाँव में गंदगी की भरमार है। पर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।